काफी जल्दी सॉल्व हो गई। सर हो गया। हो गया तो भाई, और कौन रह गया भैया करने के लिए? बच्चों ने तो सॉल्व कर लिया, बच्चे रेस जीत गए यार, बहुत बढ़िया। तो भाई हमें बता भी दो क्या आया। द फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर द डीलर सी अंडर द जीएसटी सिस्टम। सर सर प्लीज वेट। ओके आएगा। मैंने जीएसटी के बहुत ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लगवा दिए हैं, अगर एमएल अग्रवाल में कुछ अलग होंगे तो मैं उसके भी क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके सामने। अगर मेरे को लगेगा कि ये क्वेश्चन जीएसटी और एमएल अग्रवाल के सब एक जैसे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा सामने, स्क्रीन पर शो कराऊंगा, आप लोग बोलोगे सर आ जाएंगे जी, तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो वो भी लगवा। क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए कहीं से भी, टाइप नहीं बचना चाहिए, बस सर टाइप का हो जाना चाहिए, बस पेपर में जी गलती नहीं करना जो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में करने जा रहे थे। थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, लैंग्वेज को समझो। हो गया? यस सर। सबका हो गया जो बोल रहा था वेट करने के लिए, तो मैं वेट ही करता रह गया, मैंने पूछा ही नहीं कुछ, ये मैं तो वेट ही करता रह गया। बता दीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आया 1656। इनपुट टैक्स क्रेडिट आया, आईटीसी आया कितना? 1656। ओके, आउटपुट टैक्स? आउटपुट जीरो, जीरो आएगा सर। आउटपुट टैक्स जीरो ये तो आएगा, कौन कह रहा है नहीं आएगा, जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि डीलर क्या है, सी एंड लास्ट है, एंड है ना सर, एंड है उसका। वेरी गुड, सही। क्या लिखा है यहाँ पर? सी डज नॉट, सी जो है डज नॉट सेल्स इज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फर्दर, आगे नहीं बेचेगा वो, वहीं पर रखेगा अपने पास। कंज्यूमर मान लो या कस्टमर मान लो, उसको करके सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सबका यही आ रहा है 1656? Yes, बेटा सबको आ गया, नहीं आया तो बता दो, मैं आगे चलता हूँ, मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सामने आपको करा दूंगा सॉल्व। नित्या, नुपुर, विवेक? Yes, sir. हाँ बेटा, क्या दिक्कत है, नहीं हो पा रहा है? सर हो गया, सर हो गया। तो फिर बता दो मेरे को क्या आंसर आया, मैं बैठा हूँ आप लोग के वेट में, इंतजार में। यही आंसर आ रहा है? Yes, sir. सबका, yes, sir. सबका आ रहा है? मतलब सबको आ गया, चलिए कर लोगे यानी कि सब सिंपल है। नहीं आया तो देखना, कल बताना, कल सर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, पढ़िए क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन। पढ़िए और करने की कोशिश करिए, कुछ सेल करने की कोशिश करिए।
हो गया बेटा? एक मिनट सर, हो गया। यस सर, हो गया। हो गया सर, हो गया सबका। यस सर, क्या आया सर? नेट जीएसटी आया 540। नेट जीएसटी कितना आया? 540। यस। और सर सीपी फॉर डीलर एट जबलपुर 2.240। यस सर। नेट टैक्स जो है, जीएसटी है, पेबल बाय द डीलर बी, वो कितना है सेकंड वाले का? 540। ओके, और ठीक है। और जो है द कॉस्ट ऑफ गुड सर्विस डीलर इन जबलपुर, ये कितना आया? 21 था, 240। 240? अरे सर, 21,240। यस सर। किस किस का आया भैया ये इतना? मेरा आया। मेरा भी आया। 21,240 सही है, सही आया। नहीं, किस किस का नहीं आ रहा ये बता दीजिए, किस किस का नहीं आ पा रहा ये बता दीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ए डीलर इज अ मेरठ, मेरठ में बैठा हुआ है भाई, मेरठ यूपी में आता है। ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज 15,000 टू द डीलर बी। क्या करता है वो? गुड्स और सर्विस को सप्लाई कर देता है। वो आर्टिकल समझ लिया करो ये, कि वो 15,000 में सप्लाई कर रहा है बी को रतलाम में, और डीलर बैठा है जो बी सप्लाई सेम गुड्स और सर्विसेज जबलपुर में सप्लाई कर देता है। वो कितना एमपी पड़ जाता है, तो एमपी एमपी में सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर सीजीएसटी या जीएसटी लगेगा। और प्रॉफिट कमा रहा है 3,000, 15,000 दे 3,000 दे 18 को, कितना हो जाएगा इसका? यहाँ पर बेटा कितना है सबका? 9% ऑफ 18,000 1620। यहाँ पर कितना है? 1620। ठीक है, ओके। आईजीएसटी कितना आया ऑफ 15,000 का, बोलिए? 2700। ओके, बस क्या करना था, इनको ऐड करो, कितना आ रहा? यही आ रहा 3240। भैया ऐड करने पर 3240 ही आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। बस इसको इससे माइनस कर देते तो क्या आ जाता? 540। यही आएगा सबका? यस सर। बस तो 540 आ जाता। अब बात क्या बोली उसने, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स निकालना है। कहाँ चला गया? गुड्स एंड सर्विस एट सी, कॉस्ट निकालना है सी पर, कितनी होगी, कैसे निकालेंगे बताइए। पर एसबीए रतलाम प्लस जीएसटी, प्लस जीएसटी कर लेंगे। वेरी गुड, खत्म हो गई बात, कुछ ही नहीं था उसमें, कुछ था ही नहीं, प्लस में जीएसटी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऐसे करना था इसको। सबका हो गया भाई, आ गया सबको? चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इसके 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और रह गए, तो अगर जिसके पास बुक हो तो उसको लगाने की कोशिश करना, और नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा। कल तो फिर मैं बताऊंगा ही, कोई एक्सरसाइज तो कराऊंगा ही, लेकिन आप लोग भी करने की कोशिश करिए अपने घर पर। बेटा जिसको नहीं आए तो मेरे से पूछ लिया करे, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि कॉम्पिटिशन चल रहा है कि सबको आना चाहिए, मेरे को मेरा एक मकसद है कि सबको ला के पैरल खड़ा करना है मेरे, ठीक है? तो आप लोग पूछेंगे तो आप ही लोग का अच्छा रहेगा, नहीं पूछेंगे तो मैं तो टीचर हूँ भाई, मैं तो सोचूंगा आ गया होगा, ठीक है? लेकिन टेस्ट होगा आपका, ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चंस करके आपको भेजना भी है क्या बेटा? सारे क्वेश्चन करना है सेलिना के 1A और 1B दोनों एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करके मेरे को जीएसटी के सेंड करना है, कैम स्कैनर से यूज करके। कैम स्कैनर से बिल्कुल लाइन से पेजेस लगाइए और मेरे को स्कैन करके भेज दीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ बेटा। सर आपने इसका आउटपुट टेक्स्ट कैसे निकाला? किसका बेटा? सर इसी क्वेश्चन का। आउटपुट टेक्स्ट कैसे निकाला, मतलब कौन सा वाला? ये इस वाले की कह रही हैं? हाँ हाँ हाँ। नेट टैक्स पेबल बाय द डीलर।
नेट टैक्स बोल रहा है, नेट टैक्स बोलो उसको, सॉरी नेट टैक्स। नेट क्या होगा, आउटपुट कितना है, आउटपुट कितना है, आउटपुट टैक्स 3240। और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है बेटा इसका, इसने कितना दिया था इसको, 2700। बस क्या करना, माइनस कर दिए दोनों को, हो जाएगा कितना आ जाएगा 540। ऐसे हाँ बस ये आंसर आ गया तो थोड़ी कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पूछ लिया करे मेरे से, कभी भी पूछोगे मैं बताऊंगा। ट्यूशन वाले का मकसद यही होता है सबको पैरल लाके खड़ा करना है, ठीक है। चलिए भाई, ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।